हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिहार का फेमस लिट्टी और बैंगन का भरता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया है और इसे मैंने आग में सेक के बनाया है। मैंने ये मिट्टी का चूल्हा बनवाया है और ये फर्स्ट कुकिंग है इसकी, तो मैंने सोचा कुछ मीठा बना के इसकी शुरुआत की जाए। तो मैंने इसमें सेवई की खीर बनाई है। दूध बॉयल हो गया है तो इसमें मैंने वर्मीसेली ऐड कर दिया है और थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी ऐड कर दिया है। अब मैं स्टफिंग की तैयारी करती हूँ। इसके लिए जितने इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने उनको एक जगह पे कलेक्ट कर लिया है, जैसे सत्तू, मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, अजवाइन, मिर्ची का अचार, इसकी जगह आप आम का अचार भी यूज़ कर सकते हो, लहसुन, ग्रीन चिली, अदरक, बारीक कटे हुए प्याज, धनिया पत्ती और नींबू। सबसे पहले मैं लहसुन को, अदरक और हरी मिर्च को मैनुअल चॉपर में चॉप कर लूंगी। उसके बाद एक प्लेट में मैं 300 ग्राम के करीब सत्तू लूंगी और इससे लगभग 30 लिट्टी बनेगी। उसमें मैं बारीक कटे हुए प्याज को ऐड करूंगी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक, सफेद नमक, अजवाइन, धनिया पत्ती, अचार का मसाला और नींबू का रस ऐड करूंगी और लास्ट में मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी। जो बिहार के हैं उनको पता है कि मस्टर्ड ऑयल इस सत्तू के स्टफिंग को कितना ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। उसके बाद मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। आप देख रहे हो कि ये जो स्टफिंग है ये थोड़ा ड्राई है, तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्ट लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। उसके बाद एक परात में मैं आटा लगा लूंगी। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और अजवाइन ऐड करूंगी और ये फ्रेश मलाई है, इसको मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको फिर हाथ से मसल मसल के मिक्स करूंगी। आप देखना ऐसे मुट्ठी फॉर्म होने लगेगी। उसके बाद मैं इस डो को दूध में गूंदूंगी। आप पानी भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दूध में ही बनाओ। इससे आपकी लिट्टियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कड़ा आटा गूंदना है या सॉफ्ट आटा गूंदना है। जैसा भी आप कन्वीनियंट हो लिट्टी भरने के लिए वैसा आटा गूंद लो। दूध के कारण हमारी लिट्टियाँ ऊपर से करारी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगी। मैंने एक पेड़ा लिया है, उसे कटोरी के शेप में डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें सत्तू का स्टफिंग भरूंगी और उसको हाथ से प्रेस करके एक पोटली का शेप दूंगी, जैसे देखो जैसे ऐसे। और उसके बाद आप मन तो वो एक्स्ट्रा वाला आटा निकाल दो या फिर उसी में दबा दो, इट्स टोटली अप टू यू। और ऐसे करके मैं अपनी सारी लिट्टियों को भर लूंगी। आप सेम प्रोसेस से लिट्टियां भर के इसको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे बेक भी कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे देसी स्टाइल में बनाया है तो ये आग में पक के बनेगा। और ये मैंने नहीं पकाया है, किसी ने मेरी हेल्प करी है इसको पकाने में, क्योंकि मुझे आता नहीं है ऐसे बनाना, तो आग में पकाने में मेरी किसी ने हेल्प करी है। मैं एक दूसरा पार्ट भी लाऊंगी जिसमें मैं आपको माइक्रोवेव में लिट्टी बनाना सिखाऊंगी। माइक्रोवेव में भी बहुत ही सॉफ्ट बनता है। जो बिहार के हैं उनको पता है कि लिट्टी का क्या इंपॉर्टेंस है बिहारियों के लाइफ में।
और ये आग रेडी हो गया, इसमें सारे लिट्टियों को डाल दूंगी मैं और उलट पुलट के इसको सेक लूंगी। और सेम आग में मैं बैंगन और टमाटर को भी पकाऊंगी और उसका एक टेस्टी सा भरता बनाऊंगी। बैंगन को मैंने कट मार लिया है और इसमें ग्रीन चिली और लहसुन डाल दूंगी और जो आग बची हुई है उसमें ही इसको सेक के बना लेंगे। और फिर इसको अच्छे से क्लीन करके इसमें मस्टर्ड ऑयल, नमक और ग्रीन धनिया पत्ती डाल के अच्छे से मिक्स करके सर्व करेंगे। लिट्टी हमारी तैयार हो गई है बिल्कुल पक के। इसमें मैं खूब सारा देसी घी डाल के इसे अच्छे से टॉस करूँगी। आप लिट्टी को फोड़ के उसमें घी डाल के भी खा सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया है। और ये हमारा चोखा भी रेडी है। और देखिए हमारा प्लेट